नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी मई का महीना चल रहा है और इसमें लहसुन के भाव में जो है कुछ दिन उतार रहता है, कुछ दिन चढ़ाव रहता है और भाव में लगातार उठा पटक देखने को मिल रही है और किसान भाइयों ने अभी माल को निकालना स्टार्ट कर दिया है। पर उनके मन में अभी यही सवाल है कि हमें माल को अभी बेचना चाहिए या रोकना चाहिए, या आगे जाकर कितनी तेज़ी आ सकती है, आगे जाकर क्या भाव रह सकते हैं, और साथ ही साथ फार्मिंग लहसुन का क्या भाव है, चाइना में लहसुन का क्या भाव चल रहा है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में लहसुन का क्या भाव चल रहा है, और आगे जाकर क्या क्या संभावना बन सकती है, हमें किस प्रकार से रणनीति बनाकर लहसुन को बेचना चाहिए, ऐसे तमाम सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे वरिष्ठ दिल्ली के व्यापारी हैं जितेंद्र जी खुराना, उनका हम लगातार मार्गदर्शन लेते हैं और उसके हिसाब से पिछला इंटरव्यू भी हमने लिया था जो कि काफ़ी सटीक साबित हुआ था। उन्होंने कहा था कि 15 से 20 रुपए की तेजी आएगी, जो कि 15 दिन पहले का इंटरव्यू है, तो उन्होंने जो बात कही थी वह काफ़ी ज़्यादा सटीक साबित हुई और अभी 10 से 15 रुपए की तेजी आ चुकी है। तो इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। हमारी जानकारी और मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उसके पहले अगर आप सोयाबीन के किसान हो तो आपको सोयाबीन बिजवारे की अगर आवश्यकता है तो आप मोबाइल नंबर जो दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। श्री कृष्णा खाद बीज भंडार, सिंगोली, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको सभी तरह की सोयाबीन के अच्छी क्वालिटी के वाजिब दाम पर बिजवारे उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें कि आपको सभी तरह की सोयाबीन के बिजवारे जैसे कि RVS की जो नई वेराइटी आई है, या जो KDS, यो ब्लैक बोल्ड, या NRC 142, 138 NRC, इन सभी सोयाबीन और अच्छी अच्छी वेराइटियों के आपको उचित भाव पर अच्छी गुणवत्ता वाले बिजवारे उपलब्ध हो सकते हैं। तो आप एक बार इन्हें सेवा का मौका अवश्य दें और दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर खाद और अन्य तरह की जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं वह भी यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप इन्हें एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जानकारी अवश्य लें। हेलो, हेलो, नमस्कार सर जी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, नरेंद्र पोरवाल। हेलो जी, देश किसान हमारे किसान यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ जी। जी आपका सर पिछले दिनों भी मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसका काफी अच्छा किसान भाइयों को रुझान मिला और आपकी बात बिल्कुल सटीक हुई, उसके लिए आपका धन्यवाद सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं करना चाहूंगा। जी सर, आज का भाव दिल्ली आजादपुर मंडी का क्या चल रहा है? देखिए 23 गाड़ी की आमदनी है जी जी, और पोजिशन मोटे माल बिके यहाँ पे, देसी मोटे माल 90 रुपए बिके जी जी सर। ये ऊटी वाले माल की क्या चलते हैं सर? ऊटी वाले माल यहाँ पे चल रहा है 110-115 जी जी सर, जो टॉप क्वालिटी के हैं जी सर जी। और ये देसी में? देसी में मैंने बताया 85-90 मोटे माल बिके हैं जी, लड्डू टाइप माल बिके हैं 60-65 रुपए मोटे रहे जी, छोटा लड्डू है तो 48-50 जी, और पूरा लड्डू है तो उसकी पोजिशन है 45 रुपए, 42 से 45, और गोली है तो वो 35 रुपए बिक रही है। अच्छा, जी जी सर जी। तो सर आपका अनुभव तो सबसे ज्यादा है, तो उसमें सर पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो प्रोडक्शन हुआ था उसमें से कितना माल स्टॉक में गया है और कितना अभी निकल चुका होगा किसान भाइयों के पास से? ऐसा है, माल बहुत कुछ निकल गया किसान भाइयों के हाथ से जी, स्टॉक में बहुत कुछ है। मेन मुद्दा है कि तेजी कब आएगी और या अभी जो डाउन का माहौल बन रहा है वो पक्का माहौल है या कच्चा माहौल है जी, अब ये क्वेश्चन पूछे जी। जी सर, जी सर, ये जो ये मेरे सवाल आगे जाके सर ये भी सवाल है मेरे। हाँ, यही पॉइंट पे आए हैं जी, जी। ये जो मंदा अभी प्रोडक्शन मंडियों में चल रहा है जी जी, ये पक्का मंदा है या कच्चा मंदा? जी 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 सर, तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी प्रोडक्शन मंडी में डाउनफॉल दिखा रहे हैं जी जी, ये कच्चा मंदा है जी, इससे किसी किसान को घबराना नहीं चाहिए, है ना जी। तो जी सर, कोई बिना घबरा के आप बेचे और अगर आपका मंदा बिक रहा है तो रुक जाए,
जी जी सर, हफ्ते तो बाद बेच लें सर ये हफ्ते अभी बाद फिर ठीक हो जाएगी मार्केट। अभी हम आपकी रिपोर्ट सर लगातार देख रहे हैं, तो आप तो माल बड़ा चढ़ा के अच्छे से बेच रहे हो सर, पर ये प्रोडक्शन मंडियों में ये क्यों सर, ये नीचापन क्यों आ रहा है सर, ये उतार चढ़ाव क्यों कर रहे हैं सर ये? सर एक्चुअल में देखो पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। जी जी तो ये जो भी उठापटक हो रही है जी, आप खुद समझ लें क्यों हो रही है उठापटक। एक्चुअल में ऑर्डर तो सबको पता है जी, एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर निकल रहे हैं जी जी, है ना। अब वहाँ पे क्या हो जाए, उसको स्पीड से क्यों नहीं ले रहे जी, बताते हैं कभी जी सर। तो सर दिल्ली आजादपुर मंडी में अभी सर माल कहाँ से कहाँ कहाँ से आ रहा है, अधिक माल अभी कहाँ से आ रहा है सर? सर सब जब एमपी से आ रहा है, गुजरात राजस्थान से आ रहा है जी, पंजाब से आ रहा है, आज हिमाचल से भी चालू हो गया। अच्छा अच्छा, तो हर स्टेट से आई है, हमारा 23 गाड़ी है, 23 गाड़ी के बावजूद मंडी में मंदा नहीं है, सेल अच्छी है। अच्छा हाँ सर, सेल तो अच्छी है सर। तो सर आगे क्या आगे क्या संभावना है, कब तक और अच्छी तेजी आ सकती है? जैसा कि आपने हफ्ते 10 दिन में ही आप देखेंगे जो प्रोडक्शन मंडी में ढीलापन है जी, ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन मंडी में जो ढीलापन है वो पैसे की मंदी है। जी जी सर, वो समझ गए जी, जैसा वो माल ले पा रहा है जी, तो उसकी मजबूरी है वो माल नहीं खरीद पा रहा जी सर। हाँ सर, प्रोडक्शन मंडी में जी जी सर, वो मतलब वहाँ पे उनकी जो खरीदी है उससे थोड़ा ज्यादा माल आ रहा है, तो वो फिर वो लोड नहीं ले पा रहे सर इतना। नहीं, खरीदी तो फुल है उनपे, डिमांड फुल है। अच्छा, लेकिन नोट की मंदिया, नोट कितना लगा देगा कोई? सही सही बात है। हाँ सर, वो उनके बजट से बाहर काम हो रहा है। अगर अपना माल कम बिकता है तो उस दिन नहीं बेचो, दो दिन बाद बेचो। जी जी हाँ सर, वो अपने विवेक से फैसला लेना है अपने को कि हाँ। तो सर ये क्या जून जुलाई में मतलब क्या संभावना लग रही है आगे जाके, मतलब होगा सुधार? कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो 15-15 दिन की रिपोर्ट दे रहे हैं जी, 15 दिन में क्या होगा, 20 दिन में क्या होगा। ये सर आपसे पिछली की मैं चाइना की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। जी जी जी, तो कहीं भी दूर दूर तक घबराहट नहीं है जी सर, एक बहुत बड़ा डाउन आएगा लेकिन वो थोड़ा रुक के आएगा, अभी महीना डेढ़ महीने में कोई डाउन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा सर, हाँ। तो चाइना की क्या रिपोर्ट है सर, चाइना का मतलब अभी वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ नई फसल? चाइना देखिए जी, चाइना में 90 रुपए का रेट खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, तो जो यहाँ हाँ जो भी दिल्ली पहुँच करता है वो 150-160 रुपए। जी जी सर, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेंशन के अभी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना घबराहट के बेचिए, घबराइए नहीं, मंदा बिकता है रोक दीजिए, हफ्ते बाद बेचिए। जी जी सर, और सर मतलब किसान भाइयों को क्या रणनीति बनानी चाहिए, कितना कितना माल करके उनको बेचना चाहिए? सर मैंने बताया कि अगर मतलब बिल्कुल नहीं बेचो, अभी तेजी आएगी इसमें अपना, फिर आधा माल निकाल दो। अच्छा, इतना पड़ा उसका आधा निकाल लो। जी जी सर, ऐसे करके निकालो जी। लेकिन एक जो बड़ा मंदा आएगा उससे पहले हम बता देंगे, तब तक मैं लगभग किसानों को खाली कर चुका हूँ। जी 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 सर, जी सर आपका मार्गदर्शन जो शुरू आपका मार्गदर्शन रहेगा तो किसान घाटे में बिल्कुल भी नहीं जाएगा सर। जी धन्यवाद सर। जी सर, आपका पिछला इंटरव्यू भी मैंने लिया था 15 दिन पहले, उसमें आपने बताया था कि 10 से 15 रुपए की तेजी आएगी तब किसान भाइयों को माल बेचना है, अभी नहीं बेचना है। तो ऐसा ही होता हुआ सर अभी दिखा है, और जो पिछले 15 दिन पहले इंटरव्यू लिया था उससे अभी 15 रुपए का फर्क पक्का फर्क आ चुका है, 15 से 20 तक का भी आ चुका है, पर 15 रुपए तो पक्के बढ़ चुके हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर ये देखिए मार्केट धीरे धीरे करके, जब 20 का जंप आता है फिर 5-10 का डाउन आएगा, फिर 20 का जंप आएगा फिर 5-10 का डाउन आएगा, ये ऐसे करके मार्केट अच्छी तेज हो जाएगी। जी सर जी सर, तो सर इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपको लगता है आज मंदा बिक रहा है, रुक जाओ हफ्ते बाद बेचो। जी जी सर, हाँ सर, अपना माल है अपन 4 महीने पकाकर अपन तैयार करा है, तो 4 दिन और रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को जल्दबाजी क्या हो रही है भाई, सबने अपनी लागत का माल तो निकाल लिया ना। जी सर, अब तो अपना प्रॉफिट का माल है। जी सर, संभल के बेच लो। सही है सर। और सर माल को कैसे ग्रेडिंग करके कैसे तैयार करके लाना है, अच्छा अच्छा वाला माल, मतलब जो दिल्ली आजादपुर मंडी में कौन सी क्वालिटी अच्छी बिक रही है? सारी चीजें बिकती हैं, ग्रेडिंग माल होगा, हर चीज बिकती है, गोली भी बिकती है, सोना लड्डू भी बिकता है जी, लाड़वा भी बिकता है, मोटा लाड़वा भी बिकता है, और फूल भी बिकता है। अच्छा जी सर, सारी चीजें बिकती है, बस ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। जी सर जी, और सर ये फार्मिंग लहसुन का क्या भाव चल रहा है अभी? फार्मिंग लहसुन देखिए अभी आया नहीं है। जी जी,
और ये तकरीबन 20-25 दिन में आ जाएगा जी जी, तब उसमें देखते हैं। वैसे तो अभी 250-300 जी, 300 रुपए तक, 300 रुपए तक बिक रहा है। तो जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा मार्गदर्शन किया। पिछली जानकारी में भी आपने दिया था वह जानकारी सटीक हुई, और इस जानकारी में भी आपने किसान भाइयों को यही सलाह है कि आप मतलब थोड़ा अभी अगर आपका प्रोडक्शन मंडी में कम जाता है और आप संतुष्ट नहीं हो तो 5-7 दिन आप रुक के बेच सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर, जी सर, जी सर, आपकी ये सलाह किसान भाइयों के लिए बहुत काम आएगी सर, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, जी सर, धन्यवाद। किसान साथियों यह थी जितेंद्र जी खुराना जी के साथ में चर्चा। आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी को अगर आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो जो अगले इंटरव्यू में पूछने हैं तो आप वह भी कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बाकी किसान साथियों चैनल पर खेती से संबंधित, प्याज लहसुन के भंडारण, प्याज लहसुन के भाव से संबंधित और खेती से जुड़ी हर एक जानकारियाँ बहुत सारी चैनल पर डाल रखी हैं। आप उन्हें भी जाकर देखें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए आप मुझसे कमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको नंबर देकर उससे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हो या फिर कमेंट में आप विज्ञापन के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। और किसान साथियों आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो जरूर देखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।